हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री। दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड हियर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। लुक केयरफुली, हियर वी विल अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इफ वी सब्स्टिट्यूट क्यूब रूट ऑफ x plus 1, this is equals to a, and cube root of x plus 2, this is equals to b, and cube root of x plus 3, this is equals to c. Then this equation is, this radical expression is a, and this is b, and this is c. Then a plus b plus c, this is equals to 0. And we know that the algebraic identity of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, this is equals to a plus b plus c is multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. And here if a plus b plus c, this is equals to 0, then this expression is 0, then right hand side will be 0. Then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, this is equals to 0. And then a cube plus b cube plus c cube, this is equals to 3abc. Here we can see clearly, if a plus b plus c is equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube, this is equals to 3abc. Here we will apply this rule. So here a plus b plus c, this is equals to 0. So it means a cube plus b cube plus c cube, this is equals to 3 times a, b, c. Now value of a is cube root of x plus 1. So here cube root of x plus 1 bracket whole power 3 plus value of b is cube root of x plus 2 bracket whole power 3 plus value of c is cube root of x plus 3 bracket whole power 3, and this is equals to 3 times a. Value of a is cube root of x plus 1 multiplied by cube root of x plus 2 and multiplied by cube root of x plus 3. Then this cube root is cancelled out by this cube. Then value of this is x plus 1 and this cube root is cancelled out by this cube. Then x plus 2 and this cube root is cancelled out by this cube. Then x plus 3, and this is equals to 3 times here cube root of x plus 1 and cube root of x plus 2 and cube root of x plus 3. All 3 expressions are in multiplication. So this is same as cube root of x plus 1 is multiplied by x plus 2 is multiplied by x plus 3. Then in left hand side, x plus x plus x, that is 3x plus, and here 1 plus 2, 3 plus 3, that is 6. So here 6, this is equals to 3 times cube root of x plus 1
इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री. देन इन लेफ्ट हैंड साइड इफ वी टेक कॉमन थ्री देन हियर एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री. हेयर इफ वी डिवाइड बोथ साइड थ्री देन इन लेफ्ट हैंड साइड दिस थ्री एंड दिस थ्री इज कैंसल आउट एंड दिस थ्री इज कैंसल आउट देन एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री. नाउ इफ वी टेक पावर थ्री बोथ साइड देन इन लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस टू ब्रैकेट पावर थ्री एंड दिस इज इक्वल्स टू इन राइट हैंड साइड दिस क्यूब रूट इज कैंसल आउट बाय दिस क्यूब देन एक्स प्लस वन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री. नाउ इफ वी टेक ऑल द एक्सप्रेशन इन सेम साइड देन एक्स प्लस वन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू ब्रैकेट पावर थ्री एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो. लुक केयरफुली हेयर एक्स प्लस टू एंड हेयर एक्स प्लस टू पावर थ्री. सो लीस्ट पावर ऑफ एक्स प्लस टू इज कॉमन. सो इफ यू टेक कॉमन एक्स प्लस टू देन हेयर एक्स प्लस वन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री एंड देन नेगेटिव एक्स प्लस टू पावर टू नेगेटिव एक्स प्लस टू ब्रैकेट पावर टू एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो. हेयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स प्लस टू एंड दिस एक्सप्रेशन इज जीरो. सो इट मीन्स एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स प्लस वन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू जीरो. हेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस टू एंड हेयर दिस एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री देन एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री एंड दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री वन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री एंड दिस माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इफ यू टेक इन राइट हैंड साइड देन दिस इज पॉजिटिव एक्स प्लस टू होल स्क्वायर. This x is multiplied by x, then x square plus this x is multiplied by 3, then 3x plus 1 is multiplied by x, then x, 1 is multiplied by 3, then here 3 and this is equals to. In right hand side we will apply a plus b whole square that is x square plus 2 square plus 2 times x times 2. Then here x square plus 3 times x plus x is 4 times x plus 3 and this is equals to x square plus 2 square is 4 plus 4 times x. Look carefully, this x square and this x square cancel out, this 4x and this 4x is cancel out. Here 3 equals to 4. It is not possible. Not possible. It means x is equals to negative 2 is only solution. So here this is our final answer. Students, if you like my videos then please subscribe my channel and thank you.